बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक खबर से अपडेट कर दूंगा, तमाम प्रदेशियों के लिए अच्छी खबर है यार। मैं मुथुर वीडियो इसके ऊपर भी बनाता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाइयों को तो अपने हाथ से काम करवाए। जब मैं जद्दा बनी मालक में मुकीम था, मैं बहुत सी वीडियो आपको जद्दा बनी मालक से शेयर की, साथ में आपको एक चलाकर वहाँ के बनी मालक की एक पुरानी यादें आपको साथ में दिखा रहा हूँ। मैं देखते जाएं, अभी तो बनी मालक की जगह पर आपको पता है न्यू बिल्डिंग्स वगैरह का काम शुरू हो चुका है। तो बहरहाल जी, ये बात क्यों कर रहा था कि जब मैं बनी मालक में मुकीम था, साथ ही फलस्तीन मोबाइल मार्केट की बैक साइड पे आपको पता है पाकिस्तानी सफारत था और मैं पैदल सफ़र करता था रोज़। यकीन कीजिए बनी मालक से तकरीबन 3-4 किलोमीटर होगा सफारा, तो दरमियान में से पैदल ही चले जाते थे और वहीं पर कुछ भाइयों के अपने हाथ से काम करवाए। एक आपको छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, यकीनन बात है आपको फ़ायदा भी होगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। खमीस मुशीर से एक भाई आए हुए थे पाकिस्तानी, तो मैं जो सफारा से निकला ना, तो सामने बिल्कुल उसके जो बिल्डिंग है उसमें फ़ोटो कापी वाले वगैरह बैठे हुए हैं ना अंदर, तो वहाँ पर बैठ गया अंदर, कूलर से पानी लिया और पानी पीने लग गया, तो पंखे भी चल रहे थे अंदर, गर्मी थी। तो वो भाई मेरे पास में बैठे हुए मुझे बोल रहे हैं, अपने किसी दोस्त को बोल रहे थे, यार मैं वो अभी यहाँ पर तो टाइम बहुत बता रहे हैं, तो अभी क्या वापस आ जाऊँ ये वो। तो मैंने उनसे पूछ लिया भाई क्या मसला, तो मुझे बोल रहे हैं कि खमीस मशीन से आया हूँ। मुझे कफील ने बोला कि चला जा तू सफारा में और जाकर अपना वहाँ पर उनको बोल खरूज लगा दें, कुछ मेरी तरफ से इजाज़त है, कोई मुश्किल नहीं हो आपका, तुम्हारा खरूज लगा देंगे और तुम सफ़र करो। तो अभी मैं पीछे फ़ोन कर रहा हूँ अपने दोस्तों को या कफील को जिसको भी, तो उसको पूछ रहा था यहाँ पर तो ज़ाहरी बात है 4-5 माह टाइम लगता है, ये कन्फर्म बात है। तो अभी क्या करूँ, तो मैंने भाई जाना है एमरजेंसी है, मैंने देखा ये कहीं सवाल में पेपर जमा करवा दी, बाबू को बोलता यार इतना टाइम नहीं है। तो मैंने बोला, बोलता छुट्टे को पकड़े, मैंने बोला छुट्टे को, यकीन कीजिए वो बंदा बोल रहा था 1000 रियाल में देने को तैयार हूँ, को बंदा अगर छुट्टे को पकड़ाई दे। मैंने बोला 1000 किसी को मत दे, ऐसा कर कि यहाँ से 10 रियाल की टैक्सी ले, बनी मालक जाके उतर लाहौर होटल के पास, ये जो तेरे पास बैग है ना इसको साथ में दीर कार्गो वाले हैं वो जो कबाबों वाला पेशावर रेस्टोरेंट था चपली कबाब वाला उसके साथ, तो दीर वालों के पास ना अपना ये बैग जमा करवा, कार्गो कर और कुछ सामान लेना है वो भी ले कार्गो कर। उसके बाद सामने नीम का दरख्त है, शायद एक आध वीडियो में आपको दिखा भी रहा हूँ मैं, उस नीम के दरख्त के नीचे बैठ जा, वहाँ पर छुट्टा आता जाता तुमको उठा ही लेगा, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर रात हो जाए तो वहीं पर सो जा, और भी बंदे सो जाएंगे, और भी बंदे सोए होते हैं। तो बहरहाल जी, ये भी खबर भी इसी के मुताबिक, आपको कोई भी किसी किस्म का इस टाइप का मसला है या आपके इकामे एक्सपायर हैं या पासपोर्ट रीन्यू करवाना चाह रहे हैं या आप कंपनी के ऊपर केस करना चाह रहे हैं, ये कंपनी वगैरह आपको सैलरी नहीं दे रही है, देखिए आपको कोई गाइड करेगा बेहतर तो आप आगे कदम उठाएंगे ना। जैसा कि मुझे कोई बंदा गाइड करने वाला हो तो मैं आगे कदम उठाता हूँ, वरना बंदा ऐसे भाई भूला ही फिरता है, फिर पैसे ज़ाया करता है। तो यही चीज़ है जी, सफारा एक बेस्ट चीज़ है इकामा एक्सपायर वालों के लिए, हरूक वालों के लिए, या कोई भी ऐसा बंदा जो वहाँ से यानी कि कंपनी वगैरह से भी तंग है, कोई मशवरा सलाह लेना चाह रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, तो उसके लिए ये है जी कि सबसे पहले तो आप सफारा का रुख कर ले जद्दा या रियाद में, आपको पता हमारा सफारा है, लेकिन सफारों की टीमें जो है ना, सफारा की टीमें मुख्तलिफ शहरों में आती रहती हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि पहले आते थे मदीना अल मुनव्वरा मदीना, अभी यम्बो, मदीना से आगे यम्बो, यम्बो से आगे अम्बला जलवाई दुब्बा एंड तबू इस साइड पर, तो यम्बो में सफारा की टीम जा रही है जी, और इनकी तारीख है जी 28 अप्रैल रोज जुमा, और टाइम इनका नोट कर लें जी 8:30 से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक, और मुकाम होटल फजर अल शाहीन जम्बो, रब्ता नंबर नीचे लिखा हुआ है आप नोट कर सकते हैं। ये भाई किसी टैक्सी वाले को बोल दें आप जम्बो में, ज़्यादातर आपको पता है फैक्ट्री एरिया वाला शहर है तो समुद्र के किनारे के ऊपर ही मैंने विजिट किया हुआ है, तो गुब्बार ऐसे उड़ता है कि बंदे की होश गुम हो जाती है उस इलाके में। तो बहरहाल इनसे मिले, आपको कोई किसी किस्म का मसला है तो इंशाल्लाह आपको उसकी सलूशन मिल जाएगी, या अपना पेपर वगैरह अगर आपने जमा करवाना हो क्रूज के लिए तो वो भी जमा हो जाएगा।